नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव, लालू प्रसाद, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती और शरद पवार के साथ मिलकर कांग्रेस राज्यसभा में मोदी सरकार को लगातार परेशान करती रही। तीन तलाक बिल को दो साल इसी गठजोड़ की वजह से अटका कर रखा, लेकिन पिछले एक सप्ताह से राज्यसभा का नजारा बदल गया है। कांग्रेस का साथ देने वाले क्षेत्रीय दल अब अपने हितों के लिए सरकार के साथ जाने लगे हैं। आरटीआई बिल हो या फिर तीन तलाक, मोदी सरकार ने आसानी से इन वाम दलों से बिल को पास करा लिया। जेडीयू और टीआरएस से सरकार को सीधा सीधा साथ तो नहीं मिला, लेकिन सदन का वॉकआउट करके सरकार की राह को और आसान जरूर बना दिया। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए सेक्युलर दलों की एकजुटता में आया ये बदलाव एक बड़ा झटका है। हकीकत तो ये है कि कांग्रेस में ही कई मुद्दों पर एकजुटता नहीं है। एक पक्ष सरकार के साथ नरमी बरतने के मूड में है तो दूसरा इसके खिलाफ। इसका नतीजा राज्यसभा में भी दिखा, जब कांग्रेस के चार सांसद मतदान से गायब रहे। क्षेत्रीय दलों ने मतदान से गायब होकर सरकार का साथ देने का सबसे सुरक्षित तरीका अपनाया। इससे उनकी सेक्युलर छवि भी बची रही और सरकार का काम भी हो गया। लेकिन कांग्रेस के लिए अब ये सब आसान नहीं, क्योंकि अगर वो नरमी बरतेगी तो उसके खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा, और अगर उसका रवैया विरोधी रहा तो ध्रुवीकरण का खतरा तो है ही। हकीकत ये है कि इन दोनों रास्तों के बीच कांग्रेस फंस गई है और उसके सामने तीसरा कोई रास्ता नहीं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।